casa. अस्सलामु अलैकुम, वेलकम जी तुहाडा सारयां दा। इस उम्मीद दे नाल कि तुसी सब ठीक ठाक ते खुशबाश होवोंगे। अज एक होर दिन दा आगाज़ होया, मैं सोचा कि अज तुहानू थोड़ी यूनिवर्सिटी दी रूटीन दिखाने आ। ते बस मैं यूनिवर्सिटी वास्ते कपड़े कड्डे, रेडी हुई और उस तो बाद अपनी मर्सिडीज़ ते यूनिवर्सिटी जाण वास्ते निकल गई। इत्थे जी रास्ते च सिग्नल बंद सीगा ते मैं खड़ी होकर सिग्नल खुलन दा वेट कर रही सी। आ तुहानू लाल साइन ते नज़र आ ही रहा होना है। इत्थे जी मैं लैब दे बाहर पहुँच गई सी, जाके अपनी मर्सिडीज़ नू लॉक किया, अपना बैग चुकिया तो डिपार्टमेंट वल तुर पई। मैं जी लैब पहुँच गई थी। आज थोड़ा तुहानू लैब च मैं की काम करदी हाँ वह भी दिखानी हाँ। तो ये चावलों के दाने ने, इन दे उपर जिहड़ा हस्क हुंदा है उहनू मैं रिमूव कर रही हाँ। और डी हस्कर च इन्हां नू रख्या और उस तो बाद इस तरह इन्हां दा हस्क रिमूव हो जाता है। तो मैं चावलों के दाणियों नू चुक के ट्यूब शिफ्ट कर रही थी। पहले वो इनवैलप से जिन्हों चो मैं सीड्स काट रही थी, एस डी एस करना डी एस करके इन ट्यूब्स मैं लेबल करके शिफ्ट कर दी जा रही थी। और जिन्हों करी जा रही थी वो इनवैलप इस पासे रखी जा रही थी। इस किस्म की तरतीब के नाल एक काम मैं कर रही थी और इतने मैं डन कर चुकी सी। अच्छा, यह वाला क्लिप ना नैक्सट डे का है ताकि तुहानू थोड़ी काम की समझ आ जाए। इस तो मैं ये ही शिफ्ट कर दिता है। नैक्सट डे फिर मैं जोड़े सारे पिछले दिन सारे सीड डी एस किए थे उन्होंने स्टेरलाइज करके ग्रोथ वास्ते रखना सगा। तो बस मैं इतने उही काम कर रही थी। इना सिक्स वेल प्लेट च मैं सीड्स नू शिफ्ट करके कंट्रोल्ड टेंपरेचर ते ग्रो होन वास्ते रख दिता। तो उस तो बाद जी ए लैब दा काम डन हो गया। और उस तो बाद बस मैं वॉशरूम गई, जाके जरा मिरर सेल्फी लै रही सी और फिर उस तो बाद लैब च मजीद कुछ काम किया और उस तो बाद मैं घर वास्ते वापस निकल गई। इत्थे आई तो सामने आ गुलैरी मैनू नज़र आई। मैं इहदियां अखां च अखां पा के देखिया तो वह भी अगों मैनू घूर के देखण लग गई। फिर साडियां अखां काफ़ी देर चार हुंदियां रहियां, उन्हें तो अखां नहीं हटाइया पर मैनू तो डर लगन लग पिया। मैं क्या मेरे ते छाल ही ना मार देवे। फिर तो मैनू इन्ना डर लग्या कि मैनू साइकिल का ताला खोलन लगे भी डर लगन रहा सी। एवें लग रहा सीगा कि मैं कोल जावांगी तो वह मेरे ते छाल मार देगी। खैर डर डुड़ के साइकिल का ताला खोलिया तो मैं वापसी वास्ते निकल गई। इत्थे मैं तुहानू ये दिखा रही सी कि अजकल क्योंकि समर वेकेशनस ने तो यूनिवर्सिटी बड़ी सुनसान होंदी है। यही एरिया जो स्टूडेंट्स वापस आ जाएंगे उदों भी मैं तुहानू दिखावांगी। तो इत्थे इन्नी चहल पहल होंदी है लेकिन अजकल बिल्कुल सुनसान हुंदा है। तो बस फिर ये मैं वापसी वास्ते निकल गई सी। अच्छा, वापस जाते हुए ना आ वाला पॉइंट मेरा बड़ा फेवरेट है क्योंकि इतने ढलवान होंगी है तो साइकिल मज़े ना नीचे जाता रहा है। इतने पहुँच के बड़ा मज़ा आता है मैनू क्योंकि पैडल भी नहीं हिलाने पेंदे तो साइकिल आप ही चली जाता है। फिर जिन्ना ये पोर्शन मैनू पसंद है उस तो अगला पोर्शन मैनू उन्ना ही बुरा लगता है क्योंकि इतने आके बड़ा जोर लाना पैंदा है। तो अजकल तो गर्मियां भी बहुत ने ते बड़ा साह चढ़ जाता है। कई दफ़ा तो मैं इतने आके थोड़ा साइकिल नू स्टॉप कर लैंदी हुंनी आ, पानी पीनी आ और उस तो बाद दोबारा अगे जाती हुंनी आ क्योंकि वाकई इतों साइकिल चलाना बड़ा औखा हो जाता है। फिर
ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਟੋਪ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਸਟ ਫੋਰਵਰਡ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਰਸਤਾ ਦਾਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਦਾਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਗਨਲ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬਸ ਸਾਡਾ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਹਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਮੈਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਬਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਲੌਕ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਠੰਡ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਡਰਿੰਕ ਪੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਰੀਸਾ ਦੇ ਚਮਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਇਨਕੀ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਆਪ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ? ਯੈਸ। ਓਕੇ, ਡੂ ਇਟ। ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ? ਓਪਨਿੰਗ। ਯੂ ਆਰ ਓਪਨਿੰਗ ਇਟ? And what is this? I'm getting cookie from it. This is where we put it in. This is where we put this, the things in. This and put it inside this. Then we put this in that, this, and then we close it. Awesome. Thumbs up? Thumbs up for this product? Yeah. Hi. Okay. For all of you. Oh, thank you. Friends to Australian. ਇਹ ਫੋਕ ਐਂਡ ਸਪੂਨ ਦਾ ਕੋਂਬੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸ਼ੁਏਬ ਕਿਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਚਮੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਉ। ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਚਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਬੋਨਲੈਸ ਦੀ ਹੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ 'ਚ ਟਮਾਟਰ ਪਾਏ, ਇੱਥੇ ਮਸਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਐਕਸਟਰਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਪਰੀਕਾ ਪਾਊਡਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਲੱਭੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾ ਪੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਚਿਕਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਬੋਇਲ ਹੋ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰੀਸ ਕੀਤਾ ਪੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਾਵਲ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਅਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। Thank you.
लो जी इत्थे बिरयानी पक के रेडी हो गई सी और काफ़ी अच्छी बनी, बल्कि बोनलैस चिकन की बिरयानी तो दूसरे नालों भी खाने का ज़्यादा मज़ा आया, कोई हड्डियाँ की टेंशन ही नहीं सी और बोनलैस भी छोटा छोटा सी, तो बड़ा मज़ा आया खाने का। इत्थे जी मैं शोएब को रिव्यू लै रही सी। शोएब बिरयानी कैसी बनी है? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, हर चुमने का दिल कर रहा है। सा परी सा बिरयानी कैसी बनी है? Then we were in some play area in a play distance. Then we were playing so much. Prisma, my little sister was sleeping. लो जी मेरा दा वॉइस ओवर दा शौक भी पूरा हो गया और मैनू दसना तुहानू इहदा वॉइस ओवर कैसा लगा। बस इहदे नाल ही मैं अज दा व्लॉग एंड करदी हाँ और उम्मीद करदी हाँ कि तुहानू पसंद आया होएगा।